Subscribe my channel and press bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सत्यम त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम टेक्निकल त्यागी में, और हम पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन लेक्चर नंबर 6। अगर आपने इससे पहले सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन्हें जाकर देखें और बताएं वीडियो कैसे लगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी लेक्चर नंबर 5 और उसे जरूर जाके देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन सबसे मेन होता है, वो हमने बताया लेक्चर नंबर 1 में, और जो पिछली वीडियो की लेक्चर नंबर 5 उसमें क्लासिफिकेशन बताया फ्लूइड के। अगर आपने फ्लूइड के क्लासिफिकेशन ही नहीं पता तो फ्लूइड क्यों पढ़ रहे हैं, ये अजीब सवाल है, तो उसे जाके देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम जानेंगे आज वेपर प्रेशर क्या होता है और अलग अलग चीजें, तो अपना साथ बनाए रखें। वेपर प्रेशर के बारे में, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेपर प्रेशर जो एक वर्ड है, किससे मिलकर बना, दो वर्ड से, एक वेपर एक है प्रेशर। तो पहले वर्ड से रिलेट करते हैं। ये जो थोड़ा वेपर प्रेशर का टॉपिक है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, वैसे मैं इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल सब्जेक्ट है फ्लूइड। तो एक वर्ड कौन सा, वेपर, दूसरा वर्ड है प्रेशर। वेपर मतलब क्या है, जब पानी अपनी स्टेट चेंज करता है, हल्का हल्का उड़ने लग जाता है बॉइलिंग से पहले और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो होता है वेपर। आपने सुना होगा वेपर क्या है, और प्रेशर क्या है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी जब फोर्स लग रही होती है किसी चीज पे पर यूनिट एरिया पे, उसे बोलते हैं प्रेशर। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर में जो फोर्स लग रही है हमारे ऊपर एरिया पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हो, जैसे नाम सुन सुन रहा कि इसमें कोई वेपर कोई प्रेशर लगा रहे हैं, किस चीज के प्रेशर लगा रहे हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की, द प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ अ लिक्विड एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ये सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की। नई दिन की जो डेफिनेशन है वो कई कई पैराग्राफ में डिनोट की गई है समझाने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आए, लेकिन मैं इससे समझाता हूँ क्या है, इसमें क्या कहना है। लिक्विड के वेपर के प्रेशर, द प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ ए लिक्विड, यानी जो लिक्विड के वेपर के प्रेशर है जब एक्ट होते हैं, यानी जब एक्ट होते हैं लगते हैं कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, से लिक्विड की सतह पर जब ये पानी के ही वेपर प्रेशर बनाते हैं तो उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब पानी के ही वेपर पानी की सतह पर प्रेशर कैसे बना रहे हैं, अब वो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये हमारे कंटेनर है, इसमें कुछ पानी है, क्या है, पानी, इसमें हमने पानी भरा स्वयं में पानी भर के हमने इसमें छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर में ओपन है, ओपन, ठीक। अब ये ओपन ऐसी है, एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर है, पानी का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा जो पानी में। कुछ दिनों बाद हमने चेक करा, ये जो पानी था ये स्वयं से डिक्रीज होकर हो गया 96 ml, यानी कि 4 ml पानी कहाँ गया, उड़ गया, क्योंकि ना इसे किसी ने पिया, ना किसी ने इसे बिखेरा, ना हमने इसे कहीं कुछ यूज करा, ये रखा था थोड़ा कम हो गया, जब 4 ml गया था ये 4 ml पानी एवापरेट हो गया, क्या हो गया, एवापरेट उड़ गया, यानी कि भाप बन के उड़ गया। अब भाप क्या हो और बॉइलिंग में क्या अंतर होता, किन किन में, एवापरेशन और बॉइलिंग, ये अभी 2 मिनट में समझ में आया होगा वेपरेशन से। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब पानी उड़ता है उसे बोलते हैं एवेपरेट होना, भाप बनता है, और जब पानी उबल जाता है, भाप बनना और उबलने में अंतर है, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग। अब इसे बाद में समझाएंगे, एक बार पहले थोड़ा सा समझिए वेपर प्रेशर कैसे लगा है, ये उड़ गए। अब हमने क्या करा, इससे बना, ये कौन सा था हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड केस। हमने क्लोज कंटेनर दिया, कैसा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, और इसमें हमने पानी भर दिया, ये पानी भर दिया, क्या ये पानी, वाटर, इसमें भी स्वयं पानी है। हमने कुछ दिन बाद आके चेक करा तो इसका ही पानी थोड़ा सा कम हो गया, इसका पानी हो गया 96 ml। अब इसका पानी तो हमने मान लिया कि एटमॉस्फेयर में गया, इसका पानी कम गया, कहीं ना कहीं तो गया होगा, पानी कम मिला, तो इसका पानी कहाँ गया, जब पानी
बंद कंटेनर में रखा था, किसमें रखा था, ये था ओपन में, ये हमारा क्लोज में, जब पानी हमारा क्लोज कंटेनर में रखा था, सराउंडिंग से बाय कंडक्शन इसने हीट ली हुई, हीट लेने की वजह से इस पानी के अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है, जब इस पानी का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा, जब पानी का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा तो ये एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देगा। दोबारा लिखते हैं, व्हेन प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसकी बात करूं, वाटर की भी, ये सारे लिक्विड में, लेकिन हम अभी वाटर की बात कर रहे हैं, व्हेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, किससे बड़ा हो जाएगा, किससे इंक्रीज हो जाएगा, एटमोस्फेरिक से बड़ा, देन तब क्या होगा, देन एवापोरेशन स्टार्ट्स, एवापोरेशन स्टार्ट मतलब यानी कि वेपर स्टार्ट्स हो जाएगी, भाप बननी शुरू हो जाएगी। तो इसमें तो क्लोज था, इसमें उड़ गया, वो ओपन था, इसमें उड़ गया, क्लोज में क्या हुआ, ऊपर से छत बनता है इसकी, तो ये कहाँ जाएगा, अब ये पानी के वेपर उड़ रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं पूरा ही उबल गया पानी उड़ ही जा रहा, थोड़े पानी के वेपर उड़े, अब यहाँ पर कुछ एयर के प्रेशर के पार्टिकल्स हैं, नीचे ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये अब इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, अब क्लोज है और ये वेपर जो उड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फोर्स लगाएंगे, जो ऊपर से बन रहे हैं ऊपर फोर्स लगाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो ये इतने ही एरिया में फोर्स लगा सकते हैं बस, तो फिर ये वेपर जब लिक्विड की सरफेस पे ही फोर्स लगाएंगे तो उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। स्टेटमेंट पढ़िए, व्हेन द प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड के वेपर के प्रेशर एक्ट करते हैं लिक्विड की सरफेस पे ही तो उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर से क्या क्या हो सकता है अब उसे जरा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, तो पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में आगे क्या है, अभी तक हमने समझा वेपर प्रेशर क्या था, अब जरा और चीज समझते हैं, ये हमारा पाइप था, इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा था और अब क्या है, इस पाइप में तो पानी फ्लो कर रहा है तो इसमें स्पेस नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत स्पेस कहीं ना कहीं नहीं है, तो जब इसमें पानी मान लीजिए रखा हुआ है तो पानी एवेपरेट होगा, वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया, अब जब इसका वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा तो फिर कहीं ना कहीं एवेपोरेट होगा, अब पानी की दोनों तरफ इधर और इधर ये दोनों क्लोज है, क्लोज, तो फिर पानी का वेपर जाएगा कहाँ, ये वापस पानी पे ही फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, तो इसे बोलता हूँ वेपर प्रेशर। जितने भी हमारे वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड होते हैं यानी कि जल्दी से भाप बन जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल को अगर ऐसे रखा छोड़ दें ओपन, वो मिलता नहीं, वो भाप बन जाता है, हमने तो उसमें हीट भी नहीं करा, वो गया कहाँ, क्योंकि पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ या जितने भी वोलेटाइल लिक्विड हैं, शायद स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, ये लगभग जितने वोलेटाइल लिक्विड हैं इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब वेपर प्रेशर जो होता है इनका बढ़ा हुआ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अगर हम इन्हें ओपन छोड़ देते हैं, जरा से भी छोड़ दे देते हैं ये उड़ जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पहाड़ पर खाना जल्दी बनता है, वो क्यों बनता है, इससे बढ़िया एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्या हम पानी को बिना गर्म करे, बिना हीट दिए, बिना आग दिए गर्म कर सकते हैं, बिना हीट दिए उसे उबाल सकते हैं, बिल्कुल उबाल सकते हैं, कैसे, अगर हम पानी के वाटर के सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर दें तो पानी अपने आप हीट होना शुरू कर जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलती है, सर्च करना बेहतरीन रहेगा, वो कैसे, ये हमारा एक बीकर, क्या ये हमारा बीकर, इस बीकर में ये हमारा वाटर, अब हम कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करेंगे, हमने क्या करा है
बीकर क्लोज किया और यहाँ से पाइप ले गए। यह पाइप कहाँ जा रहा है? वैक्यूम सिलेंडर की ओर। यह हमने पंप से वैक्यूम बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे ये एटमोसफेयर का प्रेशर, ये एटमोसफेयर से था, अब ये डिक्रीज होना शुरू होएगा। मतलब इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए था 0.8 बार था, पानी का वाटर प्रेशर एज्यूम करा हमने वैल्यू, वाटर वेपर वो वेपर प्रेशर 0.8 बार था प्रेशर वाटर का, एटमोस प्रेशर कितना 1.013 बार पे इतना। अब हम इसे वैक्यूम चैम्बर से इसका प्रेशर बाहर निकालेंगे तो इसमें वैक्यूम होएगा, अभी कितना 1 बार है, अभी और गिरा, अभी पहुंच गया 0.9 बार पे, अभी वेपर प्रेशर से बढ़ा तो वेपर बनने स्टार्ट नहीं होंगे, अभी पहुंच गया 0.8 बार पे, अब ये दोनों बराबर हो गए, अब भी वेपर बनने स्टार्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही 0.7 बार पे जाएगा, जैसे ही ये वेपर प्रेशर से एटमोस्फेयर प्रेशर कम हुआ, वेपर बनने के लिए क्या बता रहे थे थोड़ी देर पहले, या तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर से तो हमारा एवेपोरेशन हो जाएगा, या उल्टा कर दो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए वेपर प्रेशर से तो जब एवेपोरेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा यानी वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर गिरेगा वेपर प्रेशर से ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हम इसे वैक्यूम बना लेंगे पूरा तो इसमें इतनी हीट जनरेट हो जाएगी प्रेशर गिरने की वजह से कि ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। यही अंतर होता है सिंपल सिंपल वेपर प्रेशर का हम यूज कर सकते हैं। अब हम गए तीन जगह पे, यानी माउंटेन पहाड़ी जगह पे जब हम जाते हैं तो अगर हमारा यहाँ प्रेशर कुकर में खाना, प्रेशर कुकर में खाना अगर हमारा यहाँ बन रहा है 80 मिनट में हमारे चावल उबल रहे हैं, हमारे पानी उबल रहा है प्रेशर कुकर या किस पे, प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस कौन सी, यानी कि जब हम हैं यहाँ दिल्ली मुंबई राजस्थान यूपी इन जगह, ये प्लेन है। हिली कौन सी होगी, जम्मू कश्मीर हिमाचल शिमला, ये हिल स्टेशन हो गए। तो अब हिल स्टेशन पे जाके, हिल माउंटेन सरफेस पे जाके अगर हमारा नॉर्मल सरफेस पे 80 मिनट में पानी उबल रहा है तो वहाँ पर 80 मिनट से ज़्यादा देर लगाएगा पानी उबलने में, 80 मिनट से कम देर लगाएगा या 80 मिनट ही लगाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब प्रेशर के। थोड़ा सोचिए क्या होगा, अभी तुमने क्या बताया, हिली माउंटेन सरफेस एरिया पे जाके हमारा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर हमारा हिल स्टेशन पे एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। अगली लाइन को देखिए, अगर हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर से डिक्रीज होएगा तो हमारा एवेपोरेशन हो जाएगा। अब हमने तो ये नहीं कि इतना डिग्री जो है कि अपने आप वेपर बनने लग रहे हैं, हमने यहाँ हीट करा प्रेशर कुकर में हीट किया और यहाँ भी हमने हिल माउंटेन पे भी हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब हीट करने से क्या होगा, अब देखिए मैं जैसे एक बार साफ कर देता हूँ, अब ज़्यादा देखते हैं। क्वेश्चन है इफ अजी अ वाटर टेक्स 80 मिनट टू बॉइल ऑन नॉर्मल सरफेस ऑफ नॉर्मल या बोले प्लेन एरिया, हाउ मच टाइम it take on hill या mountain area? ऑप्शन ए 80 मिनट से ज्यादा, ऑप्शन बी 80 मिनट से कम, ऑप्शन सी 80 मिनट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारा पानी 80 मिनट ले रहा है नॉर्मल सरफेस पे उबलने के, नॉर्मल सरफेस कौन सा, यानी कि जितने पे हम रह रहे हैं दिल्ली यूपी इन सब जगह पे ये हमारा नॉर्मल है, जैसे ही हम माउंटेन एरिया पे जाते हैं जैसे शिमला हिमाचल, उनका वाटर लेवल से डिस्टेंस सी लेवल से ऊंचा हो गया तो फिर वहां पर जो पानी जो उबल रहा है वो पहले नॉर्मल एरिया पे कितनी जगह ले रहा, कितना टाइम ले रहा था
80 मिनट। अब वो कितना टाइम लेगा माउंटेन एरिया पे, 80 मिनट से ज़्यादा, 80 मिनट से कम, 80 मिनट या इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर अब एक बात ये जानने वाली है, जब हम एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो माउंटेन रीजन पे, माउंटेन एरिया पे कम होता है, कैसा होता है, डिक्रीज होता है नॉर्मल सरफेस, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर भी हम हीट कर रहे थे पानी को, यहाँ भी हीट कर रहे थे, जब तो हमारा 80 मिनट लगी। और वेपर प्रेशर की क्या बताई थी मैंने, वेपर बनने के लिए अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर थे हमारा पानी का, वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से पानी का अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो वेपर फॉर्म हो जाएंगे, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर गिर जाए वेपर प्रेशर से तो फिर जब हमारे वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन केसों में क्या होगा, देखिए यहाँ पर था नॉर्मल सरफेस पे, नॉर्मल सरफेस पे एटमोस्फेयर प्रेशर था 1 bar 1.0 समथिंग, माउंटेन में ये थोड़ा कम है, मान लीजिए यहाँ था 1.01 और यहाँ है 1, थोड़ा सा कम हुआ। तो फिर इससे क्या होगा, हमारा एक तो एटमोस्फेयर प्रेशर कम हो गया और हम इसे हीट कर रहे हैं तो हमारा जो पानी है वो 80 मिनट से पहले ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक चीज कुछ और देखते हैं, क्या है वो चीज, हमने वेपर प्रेशर तो समझ लिया, जो वेपर का प्रेशर लग रहा है लिक्विड का उसी के सरफेस पर से बोलते हैं वेपर प्रेशर, इसका क्या क्या इफेक्ट है ये भी हमने देख लिया। एक चीज और, जब वेपर प्रेशर कम होता है, कौन से प्रेशर से, जब वेपर प्रेशर कम होता है, प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब वेपर प्रेशर जो हमारे लिक्विड का जो प्रेशर है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर हो गया लिक्विड पे, उससे जब कम होता है तो होता है एवापोरेशन, और जब हमारा वेपर प्रेशर बराबर होता है, हमारा प्रेशर है प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, तो होती है बॉइलिंग। ठीक, जब हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड के प्रेशर से कम है तो रहेगा एवापोरेशन, और जब हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड के प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा तो जाएगी बॉइलिंग। और एक और चीज, जब हमारा वेपर प्रेशर, वेपर बनने के लिए वेपर प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना जरूरी है, ठीक, ये चीज को लिख लेते हैं, टू फॉर्म वेपर या वेपर या एवापोरेशन, टू फॉर्म एवापोरेशन द वेपर प्रेशर इज मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक, क्या चीज है, वेपर बनने के लिए या एवेपोरेशन प्रोसेस होने के लिए जो वेपर प्रेशर है वो एटमोस्फेयर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने वेपर प्रेशर के बारे में जाना समझा, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें, कुछ भी दिक्कत हो कुछ भी डाउट हो उसे कमेंट करके जरूर बताएं, और बताएं वीडियो कैसी लगी। मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।